क्या हम जरूरत पड़ने पर अपने घर को बचा सकते हैं, क्योंकि पूरी ह्यूमन स्पीशीज के पास रहने के लिए बस एक ही घर है, हमारा प्लेनेट अर्थ। अब देखिए, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी फोर्सेस के अगेंस्ट तो अभी तक हमारे पास कोई डिफेंस है नहीं, लेकिन डायनासोर्स को खत्म करने वाले एस्टेरॉइड से शायद हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि नासा ट्रैक करता है ऑलमोस्ट सारे ऐसे एस्टेरॉइड को जिनसे अर्थ को खतरा हो सकता है, और इनसे बचने के लिए हमारे पास है तीन ऑप्शन। पहला और पॉसिबली सबसे सिंपल तरीका है एक सैटेलाइट को एस्टेरॉइड से टकराने का, जिससे एस्टेरॉइड अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज करते और अर्थ के साथ कोलिजन ना। इनफैक्ट रिसेंटली नासा के डार्ट मिशन ने एक एस्टेरॉइड के साथ ऐसा ही किया भी है, लेकिन बड़े साइज के एस्टेरॉइड के साथ ये तरीका काम नहीं करेगा, उसके लिए चाहिए होगी ज्यादा फोर्स और उसमें काम आएंगे न्यूक्लियर वेपन्स। इस मेथड में न्यूक्लियर वेपन्स को एस्टेरॉइड के सरफेस से थोड़ा दूर ब्लास्ट किया जाएगा। इस ब्लास्ट से एस्टेरॉइड का सरफेस होगा वेपराइज और इस प्रोसेस से जनरेट होने वाला मोमेंटम चेंज कर देगा एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी। सबसे इंटरेस्टिंग और तीसरा मेथड है ग्रेविटी ट्रैक्टर, जिसमें लॉन्च किया गया सैटेलाइट एस्टेरॉइड के ऑर्बिट में घूम के अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से चेंज कर देगा एस्टेरॉइड की ट्रैजेक्टरी।